प्रेमियो जय सच्चिदानंद, कैसे हैं आप सब? भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए प्रभु निस दिन तुम्हारी सेव। माँ प्रभु जी, आप हमें भक्ति का दान दीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपकी सेवा जीवन पर्यंत करते रहें। प्रेमियों, जब हमारा हृदय गुरु की कृपा, गुरु के प्रेम का अनुभव कर लेता है तो हमारा जीवन स्वयं अकर्ता भाव से जुड़ जाता है। जैसे जैसे हम गुरु में एकाकार होते जाते हैं, वैसे वैसे गुरु हमें आगे बढ़ाते जाते हैं। बस शर्त यह है कि शिष्य अपने गुरु के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित है या अधूरा समर्पित है। प्रेमियों, गुरु दरबार की सेवा बड़े किस्मत वालों को मिलती है, और गुरु दरबार की और गुरु महाराज जी की कोई भी सेवा हो, सभी अति उत्तम है। लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा एक और सेवा है जो गुरु महाराज जी को बहुत प्रिय है। जिस समय श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे सही रूप में, तो उनके चरणों में लाखों व्यक्ति आया करते थे। गुरु दरबार की सेवा करने, उनके शिक्षा लेने लाखों आते, लाखों चले जाते। उनमें से एक बार एक गरीब भक्त आया गुरु महाराज जी के चरणों में, और उसने प्रार्थना की, महाप्रभु जी, मुझे भगवान से मिलना है, आप मुझे कुछ ऐसा साधन बताएं कि मैं भगवान से मिल जाऊं। गुरु महाराज जी बड़े खुश हुए उसकी बातों को सुनकर। गुरु महाराज जी ने उसे दरबार में रख लिया और रोज वो गुरु दरबार की बड़े प्रेम से सेवा करने लगा। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी अक्सर श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे, और श्री रामचरितमानस से भी कोई चौपाई लेकर उसका विस्तार से वर्णन भक्तों को सुनाया करते थे। तो जो भी महाप्रभु जी सुनाते वो गरीब भक्त पूरा याद कर लेता, और अगले दिन वो गुरु महाराज जी को पूरा वैसे के वैसे सुना देता। तो गुरु महाराज जी को वो शिष्य बड़ा प्यारा लगने लगा। समय बीता, गुरु महाराज जी की कृपा हुई, और एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने उसे नाम दीक्षा देकर उसका जीवन धन्य किया, और उस भक्त ने एक वर्ष तक गुरु महाराज जी की बड़े ही श्रद्धा से तन मन धन से सेवा करी। एक वर्ष के बाद जब वो जाने लगा तो उसने गुरु महाराज जी से कहा, महाप्रभु जी, आपने मुझे अनमोल रतन दिया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो प्रभु मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, आप जो चाहें वो मुझसे आप मांग लीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी को पता था कि मैं जो इससे मांगूंगा ये मुझे ला के देगा, लेकिन महाप्रभु जी को ये भी पता था कि ये बहुत गरीब है। तो श्री कुमार जी ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तुम जाओ, अपनों पैरों पर खड़े हो जाओ, जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है वो औरों तक पहुंचाओ, और एक वर्ष के बाद जो तुम्हारा जी चाहे वो मुझे देना आके। वो भक्त खुशी खुशी चला गया। एक वर्ष के बाद वो जब वापस लौटा, उसने आकर के गुरु महाराज से प्रणाम किया, दंडवत किया, और महाप्रभु जी से कहा, प्रभु मैं आपकी गुरु दक्षिणा लेकर आया हूँ। श्री कुमार जी ने कहा, क्या लेकर आए हो? तो उसने 50 लोगों को गुरु महाराज जी के आगे खड़ा कर दिया जो उसके गांव के थे, और कहा, प्रभु ये शिष्य मैं आपके लेकर आया हूँ। तो गुरु महाराज जी ने कहा, ये किस लिए? तो उसने कहा कि महाप्रभु जी, जो शिक्षा आपने मुझे दी थी वो शिक्षा मैंने इन तक पहुंचाई, और उतने से ही इनका जीवन संवर गया। प्रभु अब मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में आप इन सबको स्वीकार करो, और इन्हें भी गुरु दक्षिणा दे करके इनका जीवन सफल करो प्रभु, ताकि ये भी सत्य की राह पर चल सके। गुरु महाराज ने जब उस शिष्य की ओर देखा तो गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपने गले लगा लिया कि बेटा मुझे ये गुरु दक्षिणा बहुत भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रेमियों, भावार्थ ये है, गुरु महाराज जी वैभव नहीं चाहते। गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम दिया है, जो शिक्षा हमें दी है, वो हमें औरों तक पहुंचानी है। शिष्य वही होता है जो अपने गुरु का डंका बजाता है। प्रेमियों, अगर एक व्यक्ति भी हम गुरु महाराज के चरणों में जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है वो। उससे गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और हमें भी गुरु महाराज के चरणों में ऐसा ही करना है। जो शिक्षा गुरु महाराज ने हमें दी है वो शिक्षा हमें औरों तक पहुंचानी है, और जो भी गुरु महाराज जी के रूहें भटक गई हैं उन्हें गुरु महाराज के चरणों तक लगाना है।